हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय डेली टिप्स। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरह से हम फेसबुक अकाउंट बना सकते हैं। दोस्तों, वैसे तो ये बहुत आसान है, लेकिन फिर भी बहुत से लोगों को प्रॉब्लम होती है। जो लोग इंटरनेट अभी अभी चलाना सीख रहे हैं और जो व्हाट्सएप से फेसबुक को स्विच कर रहे हैं, उनको थोड़ी परेशानी होती है। मैं देखता हूँ बहुत से लोगों को परेशानी हो रही है, मेरे आसपास भी बहुत से लोग पूछते हैं यार ये अकाउंट किस तरह से बनता है, किस तरह से इसको यूज करते हैं, तो मैं वो आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले हमें प्ले स्टोर में जाना है और फेसबुक ऐप को डाउनलोड करना है। हम एक दूसरा तरीका भी अपना सकते हैं, डायरेक्ट फेसबुक की वेबसाइट पे जाकर www.facebook.com, उस पे जाकर भी हम अकाउंट बना सकते हैं। मैं यहाँ पे ऐप के बारे में बताऊंगा। जैसे कि ये खोलेंगे तो ये देखिए मेरे दो अकाउंट दिखा रहा है, लेकिन आपको ये कुछ नहीं दिखाएगा यहाँ पे, और आपको लॉगिन करना है या क्रिएट न्यू अकाउंट। तो अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आपको क्रिएट न्यू अकाउंट करना है, और फिर आगे जो भी डिटेल्स मैं बताऊंगा ऐप में, वही आपको वेबसाइट पे भी डालनी है। तो हम ऐप पे बनाना सीखेंगे, वेबसाइट पे नहीं। तो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में जाना है और फेसबुक ऐप को डाउनलोड करना है, फेसबुक, ठीक है, और करना है इसको इंस्टॉल। इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है। अब ये इंस्टॉल हो जाती है, उसके बाद हम सीखेंगे किस तरह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं, अकाउंट किस तरह से बनता है फेसबुक का। तो ये जल्दी से एक बार हो जाती है। अगर दोस्तों आपके पास फ़ोन में इतनी मेमोरी नहीं है कि आप इतनी बड़ी ऐप को यूज़ कर सकें अपने फ़ोन में, तो फेसबुक लाइट ऐप है, देखिए नीचे की तरफ, इसको भी आप फेसबुक लाइट सर्च करके इंस्टॉल कर सकते हैं। हम अभी जो मेन ऐप है उसको मैं बता रहा हूँ, उसमें सेम ही प्रोसेस होगी ऐप में भी और वेबसाइट में भी। तो अभी देखिए इंस्टॉल हो जाती है, उसके बाद हम इसको ओपन करेंगे। तो हमारी ऐप इंस्टॉल हो चुकी है, अब करते हैं हम इसको ओपन। सबसे पहले देखिए नीचे क्रिएट न्यू फेसबुक अकाउंट, इस पर हमें क्लिक करना है। अभी देखिए जॉइन फेसबुक विल हेल्प यू क्रिएट अ न्यू अकाउंट इन अ फ्यू इजी स्टेप्स, क्लिक नेक्स्ट, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अभी अलाउ कर देना है इसको। अभी देखिए ये कुछ आपका ईमेल एड्रेस दिखा रहा है कि किस ईमेल से आप कंटिन्यू करना चाहे, तो अगर आपका ईमेल इनमें से है कोई तो आप उस पर क्लिक कर सकते हैं, नहीं तो नन ऑफ द अबव हम कर देते हैं। तो सबसे पहले आप हमें एक ऑप्शन आ रहा है ये, व्हाट्स योर फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम में डाल देता हूँ रवि, और लास्ट नेम आपका क्या है, ठीक है। फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को आपको नहीं पता तो आप, वो मेरी एक वीडियो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, व्हाट इज़ फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, वो आप देख सकते हैं। ये बहुत से लोगों को पता नहीं होता, फर्स्ट नेम में भी रवि लिख देते हैं और लास्ट नेम में भी रवि, फिर वो फेसबुक पे प्रोफाइल पे दिखाई देता है रवि रवि। आपने बहुत से लोगों को नेम देखे होंगे, तो अगर फेसबुक कभी यूज़ किया तो आपने, तो हम अभी ये लास्ट नेम होता है आपका सर नेम, ठीक है। तो मैं अपना लास्ट नेम डाल देता हूँ रवि शर्मा, क्लिक कर देता हूँ नेक्स्ट पे। ये मैं अपना पर्सनल अकाउंट बना रहा हूँ, यहाँ पे आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है, ठीक है। तो नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ हो आपको सिलेक्ट करना है, अपना जेंडर मेल है या फीमेल है तो फीमेल पे, मेल है तो मेल पे, कस्टम भी आप कर सकते हैं कोई और जेंडर हो तो, ठीक है। अभी सिलेक्ट करके मेल को अगर नेक्स्ट पे क्लिक कर रहा हूँ। अभी यहाँ पे आपको अपनी फ़ोन नंबर डालनी है, जो भी आपके नंबर हैं, तो फ़ोन नंबर मैं डाल देता हूँ अपने यहाँ पे जल्दी से, या पर्सनल जो डिटेल्स है वो छिपा दूँगा अपनी। तो मैंने अपनी फ़ोन नंबर डाल दी है अभी। या देखिए ये नीचे की तरफ अपने नंबर नहीं डालना चाहते, देखिए साइन अप विद ईमेल एड्रेस, आप ये भी कर सकते हैं, फिर आपको अपना ईमेल एड्रेस डालना पड़ेगा। तो अभी मैं कर लेता हूँ सीधा फ़ोन नंबर के साथ, नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। अभी एक पासवर्ड, पासवर्ड हमें एक बनाना है, पासवर्ड दोस्तों हमें थोड़ा स्ट्रॉन्ग रखना है ताकि कोई हैक नहीं कर सके। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड किस तरह से बनता है, उसमें नंबर्स होना चाहिए, लेटर्स होने चाहिए, और जो स्पेशल कैरेक्टर्स हो जैसे कि एट हो गया, हैश हो गया, एंड हो गया, डॉलर का साइन हो गया, ये सब, स्टार हो गया, ये सब हमें यूज़ करने हैं। तो मैं एक पासवर्ड बना लेता हूँ स्ट्रॉन्ग, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। आप कुछ भी पासवर्ड डाल सकते हैं, मैं रेकमेंड करूँगा कि आप अपना नाम या डेट ऑफ बर्थ से ना बनाएं, कुछ भी बनाएं। मान लो आपको कोई हीरो पसंद है, कोई खिलाड़ी पसंद है, मान लो विराट कोहली, तो आप विराट एट द रेट बेस्ट सुपर स्टार 123 हैश कुछ है, इस तरह से भी कुछ भी लगा के आप बना सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। जितना बड़ा पासवर्ड और स्ट्रॉन्ग बनाएंगे उतने ही आपके चांसेस रहेंगे हैक नहीं होगा। तो ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपकी प्रोफाइल हैक हो सकती है। तो मैं एक बार अपनी पासवर्ड बना लेता हूँ। पासवर्ड डाल के हमें नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अभी देखिए अभी ये ईमेल एड्रेस दिखा रहा है, या आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, ईमेल है कीप योर अकाउंट सिक्योर, ठीक है, फाइंड फ्रेंड्स एंड मोर। तो आप ये अकाउंट, ये फ्रेंड्स ढूंढने में आपकी मदद करेगा। अगर आप इनमें से कोई भी आपका ईमेल है तो वो यहाँ पे सजेस्ट कर देगा, नहीं तो ये कुछ नहीं दिखाएगा, और दिखाएगा कि एक ईमेल आप एड्रेस यहाँ पे डाल दो, अगर है तो आप डाल देंगे, नहीं है तो स्किप कर लेंगे। मैं अपना एक ईमेल एड्रेस यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ और नेक्स्ट कर देता हूँ, ठीक है। अभी ये कह रहा है कि हम आपके जो कॉन्टैक्ट्स है ईमेल में, वो ईमेल और फ़ोन में, वो यहाँ पे आपको सजेस्ट करेंगे बाद में कि ये आपके फ्रेंड हो सकते हैं, आप उनको ऐड कर सकते हैं। अगर आप नहीं चाहते कि ये कॉन्टैक्ट्स आपके
फैच करें तो साइन अप विदाउट अपलोडिंग माय कॉन्टेक्स्ट, इस पे क्लिक करना है, नहीं तो आप साइन अप पे कर देंगे। मैं नीचे वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर रहा हूँ। अभी ये आपका अकाउंट क्रिएट हो रहा है। आप सेव पासवर्ड कर सकते हैं, अगर खुद आप ये इस फोन को यूज करते हो अपने को तो सेव पासवर्ड, फिर आपको लॉगिन नहीं करना पड़ेगा, सीधा एक टैप यस नो आएगा और आप कर सकते हो उसको सेव। नहीं तो आपको हर बार पासवर्ड डालना पड़ेगा जब भी आप लॉग आउट करेंगे। तो मैं नोट नाउ कर रहा हूँ इसे, रिमेंबर योर फोन नंबर एंड पासवर्ड। ठीक है, ये फोन नंबर और पासवर्ड आपको दिखाएगा, मैंने हाइड कर दिए हैं, ये आपको याद रखने हैं। ठीक है, ओके दबा देंगे। चूज द ईमेल यू वांट टू कंफर्म एड टू योर प्रोफाइल। ईमेल जो भी आप एक से ज़्यादा है तो ये दिखाएगा कौन से आप ईमेल चूज करना चाहते हो, नहीं तो ये सिंगल दिखाएगा। तो मैं एक ईमेल को सिलेक्ट कर लेता हूँ, एक को अनसिलेक्ट और नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। या फिर आप कन्फर्म विद कोड इंस्टेंट, ये नीचे दिखा रहा है, इस पर भी आप दबाएंगे तो कोड आएगा आपके जो फ़ोन नंबर है उस पर, और उसको आप डाल देंगे। बहुत से लोगों के पास ईमेल नहीं होता तो हम कन्फर्म विद कोड ही कर लेते हैं। ठीक है, अभी देखिए तो आपके फ़ोन नंबर पे पासवर्ड आया होगा ओटीपी, वो हम देख लेते हैं। ठीक है, ये पासवर्ड आया, अभी इसको हम कन्फर्म कर देंगे। तो देखिए, ऐड ए प्रोफाइल पिक्चर सो फ्रेंड्स कैन फाइंड यू। ठीक है, टेक अ फोटो, आप फोटो ले सकते हैं, सेल्फी, चूज फ्रॉम गैलरी, गैलरी से पिक कर सकते हैं, चूज फ्रॉम गैलरी। ठीक है, कुछ फोटोज हैं मेरी गैलरी में। ठीक है, मैं कोई भी एक फ़ोटो डाल देता हूँ जल्दी से। ठीक है, मैं एक फ़ोटो पिक कर लिया। यहाँ पे आपको सेव पर क्लिक करना है, आप अपनी फ़ोटो यहाँ पे ऐड करना। मैं अभी बाद में ऐड करूँगा, फ़िलहाल नहीं कर रहा मैं। ये अपलोड हो रही है आपकी फ़ोटो। यहाँ आपको अपलोड कॉन्टैक्ट्स पर क्लिक करना है, ताकि आपके ईमेल और फ़ोन में जितने भी कॉन्टैक्ट्स आपने ऐड कर रखे हैं उनको आप बाद में ऐड कर सकें, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकें। मुझे अभी ऐड नहीं करने, तो अभी मैं स्किप कर रहा हूँ। ठीक है, अभी ऐड फ्रेंड्स ऐड करने को बोल रहा है। तो आप जिनको भी, इनमें से कुछ लोगों को भी जानते हैं जिनको भी, उनको ऐड कर सकते हैं, और जिनको नहीं जानते उनको यहाँ पे ऐसे हटा सकते हैं। तो मैं जिनको भी जानता हूँ उनको ऐड कर लूँगा, ये खुद इन्होंने मुझे कुछ लोग सजेस्ट किए हैं। ठीक है, तो मैं एक इनको कर लेता हूँ। ठीक है, आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं या स्किप भी कर सकते हैं, बाद में ऐड करना चाहे लोगों को। ठीक है, आपको अगर आपके दोस्त यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहे तो आप छोड़ सकते हैं इस टैप को और आगे बढ़ सकते हैं। तो अभी मैं दो लोगों को सिलेक्ट कर लिया और ऐड टू फ्रेंड्स पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, फिर से पूछ रहा है कि अगर आप अगली बार लॉगिन करेंगे तो एक टैप करना है अपनी प्रोफाइल पे जैसे दिखाई दे रहे हो, और फिर सीधा लॉगिन हो जाएगा। फिलहाल मैं इसको, ठीक है, नोट नाउ कर देता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों ये थी वीडियो, किस तरह से हम फेसबुक पे अपना अकाउंट बनाएं। और दोस्तों हम जल्द ही एक प्राइवेसी की भी वीडियो बनाएंगे, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको दूंगा जो ज़रूरी है आपको जब फेसबुक यूज़ करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कर सकते हैं, इसको शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर आपको कोई सवाल या सुझाव है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं जल्दी उसका जवाब दूंगा। जल्दी फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मेरा ध्यान रखिए।